देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। घटना शहर कोतवाली इलाके के निधि वन गेस्ट हाउस की है, जहां कानपुर से रिफाइनरी इलाके में सीआईएसएफ का पेपर देने आई 22 वर्षीय युवती का शव गेस्ट हाउस की रेलिंग पर लटका मिला। बताया जा रहा है कि युवती ने करीब 11 बजे निविधन गेस्ट हाउस में रूम लिया था। युवती कानपुर की रहने वाली बताई जा रही है, जो सीआईएसएफ का एग्जाम देने के लिए मथुरा आई थी। सुबह के वक्त होटल के कर्मचारियों ने फर्स्ट फ्लोर की रेलिंग पर गमछे से फांसी का फंदा लगाकर शव को लटका हुआ देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना की सूचना आनन फानन में स्थानीय पुलिस को दी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवती के शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी। प्रथम दृष्टि पुलिस घटना को आत्महत्या मान रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना हत्या है या आत्महत्या, यह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। उम्र लगभग 22 साल की, ये कानपुर से सीआईएसएफ की परीक्षा देने रिफाइनरी में आई थी। कल रात को इन्होंने 11:35 पे एक रूम लिया निधिवन धाम में। ये छोटा सा मोटल है स्टेशन रोड के पास। सुबह इनकी बॉडी टॉप फ्लोर पे रेलिंग से लटकी दिखाई दी। इनके सर में तुम देखा, पुलिस के फोन नंबर पूछना थी, पुलिस आई बाड़ी कब्जुन देते पोस्टमार्टम के रिपोर्ट दी गई। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, परिजनों को सूचित किया जा सकता है। अभी तक इस तरह कोई सुसाइड लेटर नहीं। मथुरा से संवाददाता सुरेश पचेहरा की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।